Good afternoon, student. Today we will learn our second chapter of Hindi, Dadi Ma. Okay? Dadi Ma ka hum aaj reading karenge. Fir iska anuvad karenge. So student, let's start. Dadi Ma. Kamjori hi hai apni, par sach to yah hai ki jara si kathinai padte, beeson garmi, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरासी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो। सोचने से होता ही है क्या? पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपन झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सकता था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी में न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। दिन भर में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हिंद धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और बिसुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से
बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया है। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, वाहिन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, जानने क्यों यूं सभी जानते, जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बातें, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सुत के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। सो स्टूडेंट, आज हम इतने तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आधा पढ़ेंगे। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।